कि जब हम जाते हैं कभी किधर किसी के घर या कुछ भी तो लोग बाग बड़ा वहाँ तो साहब को देते हैं लोग उनको देखते हैं मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ दिलीप साहब के साथ बहुत साल पहले तो उस वक्त भी मुझे वो बुलाते थे जब वो मुझे बचपन में मिलते थे मुझे सनी बाय बुलाते थे अच्छा अभी भी सनी बॉय बुलाते हैं मुझे वाह आज तक वो मुझे सनी बुलाते हैं ऐसे मेरा गार बगड़ा सनी बॉय कैसा तू

लेकिन ये जरूर मानते थे कि यार हमारे घर में ये भी आते हैं वो भी आते हैं मुगल आज़म वाला अंकल भी है तो जब वो मुगल मुगल अजम वाले अंकल ने हमको सेट पे बुलाया था जब तो मेरे दादा और वो और यूसुफ साहब वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन था वो ख़ैमे में जो वॉर से पहले वो सीन है जी तो वो उसकी शूटिंग हो रही थी मेरा ध्यान उनके शूटिंग में कभी था ही नहीं मेरा ध्यान सिर्फ लगा था कि वो टेबल पे जितने वो वेपन्स थे तलवार छोरी मेरा ध्यान वहां था मारू मैं ये कैसे, कैसे उठाऊं? सब बने वो प्लास्टर ऑफ़ से, जो बट you know, तो मुझे वेगली याद है कि ये शॉर्ट आउट हुआ कट हुआ ये सब ने आसिफ साहब मिले यूसुफ अंकल मिले दादाजी ने बुलाया सबको मिला दिया हम हम सब बच्चे गए हुए थे काफी बच्चे थे

सो दीज आर माई फॉन्ड मेमोरीज ऑफ सींग सच बिग पीपल बट माई इंटरेस्ट वॉस् सच मेरे लिए बड़े लोग तो आते जाते थे ना घर में सो दीज आर बहुत ह्यूज फिल्म लाइक मेरा नाम जोकर फ्लॉप्ड जी डू यू रिमेंबर द डे दैट यू गैट टू नो दैट ये पिक्चर फ्लॉप हो चुकी है मेरा रवैया ऐसा था कि हाँ जी फ्लॉप हो गई तो क्या है

मुझे याद है राजेश खन्ना साहब शर्मना टेगोर जी ने कितने अनेक मैसेजेस भेजे राज कपूर के हमको लीजिए वी डोंट वांट मनी बट यू वांट टू वर्क विद यू बट नो द मेकर इन हिम जो मेकर था वो थॉट के यार मैं ये बनाना चाहता हूँ एंड आई नीड न्यू कमर्स एंड नीड यंग गर्ल एंड आई नीड यंग बॉय तो डिम्पल को उन्होंने चूज किया किसी ने रिकमेंड किया था और घर की मुर्गी दाल बराबर तो थी ही डिम्पल उस वक्त शायद तेरह साल की थी हुँ. और मैं सत्रह साल अठारह आट, साल का था

मैं जानता था कि यह पिक्चर मुझे लॉन्च करने के लिए नहीं बनाई है इफ इट वॉज अ लॉन्च वहीकल वाई नेम। बॉबी क्यों नाम था बॉबी तो हीरोज नॉट एक्चुअली ड्यू टू मी इट शुड हा बी ऑल्सो ड्यू टू डिम्पल इन दैविंग बीन नाउ बींग स्टारन मैं भी स्टार सन था उस वक्त लेकिन राजकपूर डिड नॉट इंट्रोड्यूस मी एज स्टार सर मेरी कोई एंट्री कोई मोटरसाइकिल में या दो टांगों पे नहीं हुई थी ऐसा कुछ नहीं था नॉर्मल पिक्चर बनी थी मुझे माइंड यू बॉबी के वक्त मेरी उम्र 21 साल की थी 21 वन ईयर ओल्ड एक्टर बॉय

Mm. मेरे पास कोई थी नहीं काम करने के लिए करेक्ट सो ऑल दिस हैपेंड। इट हैड टू तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता <laughs> है केवल केवल आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई बॉबी इट आल्सो गिव यू योर फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड। टू पुट इट वेरी और एज ए दोस्त आपका दिमाग खराब हो गया था अरे साहब क्या बताऊं मैं इक्कीस साल का लड़का उन दिन में अच्छे खासे पैसे मिलते थे मेरे पाँव तले जमीन ही नहीं थी ना क्या कुछ भी करूं मैं ब्रैट अच्छा बट वन थिंग वाज वेरी गुड दैट मैं काम के वक्त आई वाज अ वेरी सीरियस एंड हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड एंड वेरी सिंसियर एक्टर दैट वाज माय प्लस पॉइंट बट वक्त रहते रहते वो दिमाग वक्त ही आपका वो सुधारता है बॉबी के बाद मेरी पहली पिक्चर आई जहरीला इंसान वो नहीं चली तो रहते रहते मैं समझ गया कि देखो बच्चे कि ये तुम ऐसे बहकावे मत रहो कि स्टार्टअप इज समथिंग विच इज़ वेरी टेम्पररी बट यस ये दिस डिजी हाइट्स दिस कैन हैपन टू एनी बडी यू नो आउट ऑफ टाउन फ्रॉम अ स्मॉल टाउन अगर कोई एक्टर आए बनने के लिए और एक्टर को रातों रात, रात सुपर बन जाए तो उसका तो दिमाग ही खराब हो जैसे ये सुपर स्टार बने इनके तो बाल ही चले गए थे <laughs> मेरे पाओ चले जमीन खिचल गई इनके सर बाल चले गए। <laughs> एक लाइफ का, आपका दूसरे चैप्टर में बदला यू यू वर सक्सेसफुल यू वर पावरफुल यू गेव द रोमांस डिफरेंट मीनिंग आपका रोमांस बिलीवेबल लगता था आपका डांस बिलीवेबल लगता था आपका लड़की को कुछ कहना थोड़ा बिलीवेबल लगता था अरे होगा तो नीतू पटी ना <laughs> थोड़ी हो <चादियों> गई थी। <laughs> पर आपने बहुत सारी के साथ काम किया था हाँ, बत... साथ तो कोई भी शादी करने को रेडी ऐसा है कि नीतू के साथ एंड uh, हुआ ये कि मेरा झगड़ा हो गया था मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तो मैं टूट ही गया था कौन थी एक अच्छा तो मैं शूटिंग कर रहा था चित्र दुर्गा इन कर्नाटका फॉर जहरीला इंसान पीर पत्थरों ब्यान में उस, उस गांव में एंड आई वाज वेरी तो मैं उन दिनों में कोई टेलीफोन वोन तो होता नहीं था तो टेलीग्राम ही चलते थे टेलीग्राम तो टेलीग्राम मैं मैं लिख के भेजता था और रोते रहता था रात भर तो नीतू देखती थी मुझे तो शी इज टू हेल्प मी

और मैं प्रमोद चक्रवर्ती साहब के मैं शूटिंग कर रहा था लिस्बन में एंड समर इन फ्रांस तो उन दिनों में आई वेरी एंड आई आई जस्ट ऑलवेज फाउंड वेरी वेरी यू नो नाइस फॉर मी एंड यू नो जस्ट एक्जैक्टली दुबई आई वॉन्टेड समान एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि मैंने नीतू को मिस किया था वेन आई वेंट टू फ्राम कश्मीर टू यूरोप आई वज माई सेल्फ एंड मैंने फिर वहाँ से टेलीग्राम भेजी नीतू को टू कश्मीर कि सीखनी बड़ी याद आती है